50 लेयर। हाँ अरे बहुत। अभी फाउंडेशन ही खत्म हो गया, खत्म नहीं 100 लेयर हो मोबाइल। गया? अच्छा तुम बता देते हो, ट्रक भरवा के मंगवा देते हो। मम्मा भूत बन गई। अरे बाप रे, ये कौन है? देखो कैसे लेट गई लाड़, तो देखो मैं कैसी लग ली हूँ। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये वीडियो मैं बहुत पहले से करने वाली थी लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मुझ में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट आ गई है कि चलो यार ये बार चैलेंज करते हैं। और ये चैलेंज ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत टाइम पहले से देखा था। तो आज मैं बनने वाली हूँ चुड़ैल। आज मैं ना अपने फेस पे ना बहुत सारा फाउंडेशन लगाने वाली हूँ इकट्ठा। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसी लगने वाली हूँ, बस मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी हैं तो मुझे उसमें पता चला है कि लोग कैसे लगने लगते हैं, लेकिन मुझे अप्लाई करके देखना है कि मैं कैसी लगूंगी। बस मुझे डर इस बात का है कि जब मैं ये चैलेंज जब एक्सेप्ट कर लूँ, जब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर लूँ, तो कोई डिलीवरी वाला या कोई ऐसा इंसान ना आए जिसके सामने मुझे जाना पड़े। मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होगा। बट हाँ, लेकिन जो है ये फाउंडेशन चैलेंज करके मैं अपने हस्बैंड का जो रिएक्शन है वो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। तो देखो मैंने अपने फाउंडेशन की जो है वो यहाँ पर रख लिया है। तो मेरे पास ना ये फाउंडेशन थोड़ा सा ना लाइटेस्ट शेड आ गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि फाउंडेशन यूज़ तो होता नहीं है तो इसको बर्बाद करने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिलेगा कि हमारा चैलेंज भी हो जाएगा और फाउंडेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं पहले एक बाउल में निकाल लूंगी ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो इसको निकालने में। और इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती कि ना इसमें ना वो नहीं है, निकालने वाला जो होता है ना वो चीज़ नहीं है, पंप टाइप का। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और बहुत सारा निकल गया एक ही बार में। आर यू एक्साइटेड गाइस? ये है हमारा ब्रश। और सबसे पहले मैं अपने सामने जो है मिरर रख लेती हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसी लगने वाली हूँ। मुझे डर लग रहा है। चलो अब तक मतलब एक लेयर तो करी थी हमने फाउंडेशन की, लेकिन 100 लेयर में ही सोच रही हूँ कि मैं यार करते करते थक जाऊंगी 100 लेयर को। लेट्स अप्लाई इट, ब्लेंड इट। पहली जो लेयर होती है उसको तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं, लेकिन भाई साहब 100 लेयर ब्लेंड करने, तो ब्लेंड करते करते थक जाऊंगी, तो बस ऐसी उल्टा सीधा करेंगे। पहली लेयर में मैंने ज्यादा ले लिया तो मैं एकदम व्हाइटिश मुंह हो गया है मेरा। आई थिंक मुझे एक हेयर बैंड लगा लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ गाइस। थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैंने कुछ नहीं लगाया तो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ। पता नहीं आज मेरी स्किन का क्या होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा आज मेरी स्किन जो है हार्म हो जाएगी, तो मुझे इसके बाद जो है स्किन केयर थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। मुझे याद रहेगा कि मैं कौन सी लेयर लगा रही हूँ, मुझे याद रखना पड़ेगा। फाउंडेशन की अप्लाई कर चुकी हूँ मैं और मुझे लिटरली बहुत जलन जैसा फील हो रहा है और बहुत अजीब सा लग रहा है। उसको मुझे अभी दूर रखना पड़ रहा है कैमरे से, क्योंकि वो आके ना कैमरा पकड़ के खींचती है, कहीं कुछ पकड़ के खींचती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा फाउंडेशन जो है पूरा भी नहीं पड़ पाएगा, मतलब मेरी बोतल खत्म हो गई। लेकिन देखो क्योंकि कुछ पहले से भी यूज कर चुकी थी मैं और थोड़ा सा इसमें हो सकता है थोड़ा बाकी हो अभी, पर पता नहीं 100 लेयर्स कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी। और अमान्या अभी आकर खींच रही बुरी तरीके से, आई डोंट नो मेरा वीडियो बन पाएगा या नहीं। ये ना तालिबान है मेरी जिंदगी का। वो कौन? Thank you.
फाउंडेशन की कटोरी और ये देखो ब्रश, ब्रश ने भी ना फाउंडेशन में पूरा नहा लिया और मेरे पूरे चेहरे जलन हो रही है। मैं क्या बताऊं, मैं पूरी भूतनी से कम नहीं लग रही हूँ। पूरी फाउंडेशन की बोतल खत्म हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे ही समझ में आ रहा है कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा जलन हो रही है और आप मैंने देख देख के मुझे हंस रही है। और कटोरी भी खराब हो गई, ये ब्रश ना पूरा इसमें भर गया है, इसको बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा और मुझे चेहरे को भी बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा। तो मैं फाउंडेशन को सूखने देते हैं, फिर देखते हैं कैसा लग रहा है। फाउंडेशन सूख ही नहीं पा रहा, मतलब क्योंकि ठंडा मौसम है ना, सूख पा रहा है। मुल्तानी मिट्टी जब भी अच्छी लगती है, मतलब फेस को अच्छा फील कराती है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीटियां सी काट रही हो मेरे फेस पे। तो आज मेरी फेस की ना बहुत बुरी तरीके से वाट लगने वाली है, लेकिन वाट तो लगानी ही पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए। तो हमारी मांझा को देख लो ये क्या कर रही है, अभी आपको दिखाती हूँ। हमारी अमान्या का रिएक्शन देख लो गाइस। अमान्या कैसी लग रही है मम्मा, कैसी लग रही है मम्मा? ये मत खाया करो, गन्नी बात होती है। लग रही पहले बताओ। इसको ना निशाने लगाती रहती है। अभी हस्बैंड जी आ गए और उनका रिएक्शन जो है रिकॉर्ड करते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है। मम्मा भूत बन गई। कैसी लग रही है मैं? कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता, बस अपने बच्चे पे ध्यान देते हैं, चाहे कुछ भी कैसी भी लगूं। सोचती है पहले दो मिनट पापा आ गए तो पापा के गोद में रहेगी। देखो कैसे लेट गई, लाड़ तो देखो ऐसी मेरे ऊपर लेट जाती है जब आप नहीं होते हो। बाय बाय कर दो। बाय बाय मान्या, मान्या इधर देखो, मैं कैसी लग ली हूँ, मैं कैसी लग ली हूँ, अच्छी लग ली हूँ, अच्छी लग ली हूँ मैं। क्यों पता है, ऐसे ट्राइपॉड खींच रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी बिल्कुल भी। कैसी लग रही हूँ मैं पता है? 50 लेयर लगी है। 100 भी नहीं हो पाई, पूरी फाउंडेशन ही खत्म हो गया। 50 लेयर? हाँ। अरे रे, बहुत। अभी फाउंडेशन ही खत्म हो गया, 100 लेयर नहीं हो पाई। अच्छा तुम बता देते हो, ट्रक भरवा के मंगवा देते हो। ट्रक में कितना, ट्रक में बहुत ज्यादा आ जाता, फिर मेरे इतनी बड़ी पपड़ी बन जाती। आराम से लेयर लगाते जितने चाहे मल्टीपल टाइम्स। ऐसा हुआ मेरा फेस, ये रहा मेरा। अच्छी लग रही है, मैं बाहर जाऊंगी ना जब लोगों के रिएक्शन अच्छे होंगे, लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना। मैं ना इतने ही टॉलरेट कर सकती हूँ मैं। और जल्दी जल्दी 50K कर दो, फिर आप जो चैलेंज बोलोगे ना पब्लिक प्लेस में वो करूंगी। 50K हो जाएंगे, फिर जो पब्लिक प्लेस में जो चैलेंज बोलोगे वो मैं पब्लिक प्लेस में करूंगी आपकी डिमांड पर। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट कौन सा चैलेंज देखना है ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।